हेलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का काफ़ी बढ़िया सा डाउनफॉल हो चुका है एंड इसके बारे में लाइव मार्केट का इन्फॉर्मेशन हमने हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में दे दिया था। अगर आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हमने 6:20 के आसपास एक लेवल अपडेट दिया था जिसने आज 1075 का कुछ हाई लगा दिया है। आराम से यहाँ से 1075 का इसने हाई लगाया है। उसके साथ में जो प्रीमियम ग्रुप होता है ना, तो प्रीमियम ग्रुप में भी हमने काफ़ी बढ़िया सा अपडेट दिए थे जिसने काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेट हो चुका था। तो ऐसे जो लाइव मार्केट के अपडेट्स होते हैं, लाइव मार्केट के जो प्रॉफिट्स होते हैं, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट करके दे दिए थे। अब मानते हैं कि आपको ऊपर की साइड का ट्रेड लेना है या फिर नीचे के साइड का ट्रेड लेना है, कौन सी डायरेक्शन का ट्रेड आपको चाहिए वो भी हम देखेंगे। उसके साथ में जब मार्केट जो है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को स्लो करके, मतलब के ये कम टाइम फ्रेम पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मार्केट में क्या हुआ था। मार्केट में यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ था। अब यहाँ पे डाउनफॉल एंट्री लेने का रीज़न क्या था? यहाँ पे डाउनफॉल एंट्री लेने का रीज़न ये था क्योंकि बुलिश मोमेंट के बाद में सडनली एक बियरिश मोमेंट आया था जिसमें बहुत से लोगों को मार्केट ने ट्रैप करने के बारे में सोच रहा था। अब जैसे ही मार्केट ने बहुत से लोगों को ट्रैप करने के बारे में सोचा, मार्केट ने उन सभी लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर लिया था। अब जैसे ही ये सब लोग ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट क्या करता है, सडनली एक ऊपर का साइड का स्पाइक दे देता है जिसकी वजह से जो डाउन साइड एंट्री करते हैं ना, तो वो डाउन साइड वाले भी ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर डाउन साइड के ट्रैप हो गए यानी यहाँ पे अगर ऊपर के के मतलब कि दोनों साइड में भी ट्रैपिंग हो गया, तो फिर मार्केट क्या करेगा? तो उस केस में मार्केट के सेंटिमेंट ऐसा होता है कि ना तो मार्केट यहां से ज्यादा ऊपर जा पाता है, ना तो मार्केट यहां से ज्यादा नीचे जा पाता है। इसलिए फिर मार्केट क्या करता है कि बहुत से लोगों को यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, मतलब कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस केस में अगर आपको सही जगह पे एंट्री करना है या फिर आपको सही जगह पे एग्जिट करना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होता है, चलिए मैं वो आपको बताने की यहाँ पे अभी कोशिश करता हूँ। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं एंड कौन सी डायरेक्शन में आप एंट्री प्लानिंग वहाँ पे कर सकते हो। अब एक और चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए अब हम अगर टाइम फ्रेम को भी अगर चेंज कर लेते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम देखने की कोशिश करते हैं, तो ट्रैपिंग मोमेंटम आप देखिए। अगर मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जिसने भी यहाँ पे ये सोचा होगा कि मार्केट नीचे आएगा एंड पुट होल्ड करके बैठे हो गए, उन सबका एस एल हिट होना का कंफर्म मार्केट का सेंटिमेंट था। बहुत लोगों ने एस एल इसलिए एंट्री कर लिया था क्योंकि उन्हें लगा था कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पाया तो मार्केट नीचे आएगा। लेकिन कल के वीडियो में हमने आपको एक हीरो जीरो दिया था जिसके अंदर अपना पैसा जो है वो डबल हो चुका था। क्या हो चुका था? पैसा डबल हो चुका था। तो अगर आपको भी इस तरीके से लाइव मार्केट के अपडेट्स चाहिए, हीरो जीरो अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पर आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? इसके अंदर मैं आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स देने वाला हूँ, क्या होता है, कैसे हो सकता है, कहाँ पे एंट्री प्लानिंग किया जा सकता है, हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे आइए, इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।